नमस्कार साथियों, आजकल एक इंटरनेशनल माहौल चल रहा है, आपने देखा होगा यार, इंटरनेशनल लड़कियों से दोस्ती इंडियन लोगों की ज्यादा हो रही है और लोग शादी तक भी बात पहुंच रही है, लोग शादी कर भी रहे हैं नो डाउट। आज ही मैं एक न्यूज़ देख रहा था ऑनलाइन, शायद यूपी में ऐसा कुछ, एक इटली की लड़की आकर इंडिया में शादी की है। जी हाँ, दोनों अलग अलग धर्म के थे, कलेक्टर ने उनको सर्टिफिकेट दिया है, दोनों ने ये भी बोला कि भाई हम एक दूसरे का धर्म नहीं बदलेंगे, लेकिन उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, ऐसा ही एक माजरा, एक रियलिटी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि हर वो चीज़ जो पीली येलो होती है वो गोल्ड नहीं होती, आप समझ सकते हैं। जी हाँ, जरूरी नहीं होता कि सब लोगों के, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है तो आप लोगों के साथ भी होगा। इसका एक एग्जांपल देंगे। जी हाँ, एक इटली की एक लड़की ने एक राजस्थान, शायद राजस्थान का बंदा था, उनके साथ में फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दिया फेसबुक के माध्यम से, या कैसे भी कांटेक्ट करना आजकल कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेट पे मोबाइल नंबर पड़े हैं, किसी का भी नंबर उठाओ, हाय हेलो करो, बात शुरू होनी स्टार्ट हो जाती है। उनकी दोस्ती में मतलब ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, उनको मात्र 21 लाख रुपए का नुकसान हो गया। अब दोस्त बन गए तो इतना खर्चा तो वाजिब बनता ही है। जी हाँ, अब बात ये है सोचने की, इटली की जो लड़की थी उसने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, उनकी उम्र थी 85, यानी 85 साल। गौर से सुनना दोबारा, 85 साल का बंदा रिटायर्ड डिस्कॉम, जो डिस्कॉम बिजली विभाग होता है ना, उससे रिटायर्ड चीफ इंजीनियर। चीफ इंजीनियर कितनी बड़ी पोस्ट होती है भाई, सीनियर से सीनियर जिसको बोला जा सकता है, वो रिटायर थे साहब के पास में, फ्रेंड रिक्वेस्ट आ गई, बोला बुढ़ापे में चलो बातचीत कर लेते हैं क्या जाता है। जी हाँ, उनकी दोस्ती इतनी पक्की हो गई, धीरे धीरे आपस में पर्सनल नंबर मिल गए, उन्होंने ये भी बोला, हालांकि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि इतनी उम्र का बंदा कोई नेगेटिव सोच के साथ में ऐसी कुछ नहीं करता है, लेकिन वो एक हो जाता है कि भाई चलो दोस्ती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल अगर इसको पॉजिटिव लें तो। जी हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव ले रहा है, लेकिन अगला क्या ले रहा है, पॉजिटिव ले रहा है नेगेटिव थिंकिंग के साथ में उसने टारगेट स्टार्ट ही टारगेट किया है। जी हाँ, अब ये लोगों ने, उस बंदे ने क्या किया, फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट हो गई, उनकी बातचीत होने लगी, धीरे धीरे बात फोन पे बढ़ने लगी, बाकायदे न्यूज़ एफआईआर की है, ये एफआईआर की न्यूज़ बता रहा हूँ मैं, कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है जो एफआईआर में लिखी गई है। जी, उसने बोला मुझे भारत में घूमने आना है, तो उन्होंने बोला ठीक है जी, वेलकम है, तो बोला चलो अब मैं यहाँ पे करोड़पति, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा पैसे हैं, मैं आपको 1 करोड़ रुपए के गिफ्ट भेज रहा हूँ इंडिया में। जी हाँ, तो भाई देखिए, लालच है ना, आपको गौर करने की बात है, लालच चाहे 8 साल का हो चाहे 80 साल का हो, लालच हमेशा लालच होता है, आप इस बात को ध्यान रखें कि एक सीनियर सिटीजन आदमी 85 साल ओल्ड, जिसकी जिनकी पेंशन भी 50,000 से प्लस महीने की आती हो, उस बंदे ने लालच में आके, जी हाँ लालच में आके 20 लाख रुपए कमा दिए, ये उनके लिए सोचने की बात है। अब कैसे कमाए, एयरपोर्ट से फ़ोन आता है कि भाई आपका सामान यहाँ पे पहुँच चुका है, फॉरेन पॉलिसी के तहत आपको पैसे देने पड़ेंगे, प्रोसेसिंग फीस के नाम से या फिर एडवोकेट के नाम से, सिक्योरिटी फीस के नाम से कि भाई सिक्योरिटी जमा कराओ आपका सामान है, डिलीवरी चार्ज के नाम से, अलग अलग तरीके से आठ टाइम में उनसे पैसे अलग अलग अकाउंट में 20 लाख रुपये डलवा लिए। जी हाँ, फिर भी उनके पास फ़ोन आता है कि मैं जयपुर या फिर जो वो है राजस्थान कहीं से भी, कि भाई मैं यहाँ आ गया हूँ, आप डिलीवरी चार्ज पे करिए ताकि मैं आपका सामान आपको पहुँचा सकूँ। तब बंदे को शक हो गया, उम्र ले ली थी, लेकिन बाद में आंखें खुली कि भाई अपने साथ कुछ गलत हुआ है, तो उसने DP चेक करी फेसबुक, जहाँ पे वो गए, जिनके उनके साथ में आपस में बात होती थी, तो वहाँ पे सब कुछ गायब मिला उसको, क्योंकि प्रोफाइल बनाई गई थी, फेक थी, जैसे ही उनका टारगेट पूरा, प्रोफाइल को डिलीट मार दिया, यानी सोशल मीडिया पे उसका कोई रिकॉर्ड न रहे। जी हाँ, तब उसको पता लगा, तो भाई भागे भागे पहुँचे, फिर वहाँ पे पुलिस चौकी में, वहाँ पे पूरी स्टोरी बताई कि मेरे साथ ये हुआ, पुलिस अब जांच करेगी कि ये रियल में लड़की इटली की थी या इंडियन का कोई कारनामा है। 100% मेरे से लिख के ले लें, ये बंदे यहीं के हरामजादे लोग इंडिया के ही हैं, इटली के, और ये जो है ना, अलग अलग लड़कियों को टाइम नहीं होता आपके साथ, वो क्यों, क्या ज़रूरत है, लेकिन ये लगभग लोग यहीं के होते हैं, और ये बैंक में, जिस बैंक में पैसे डाले गए हैं वहाँ से शुरुआत पुलिस करेगी और इसका पता लगाएगी कि भाई ये रियल में इटली से थी लड़की या कहीं दूसरी जगह से थी, या रियल में लड़की थी नहीं, लड़के थे, लेकिन लड़की ने बात की है उनसे आपस में, तो रियल में लड़की थी नो डाउट। अब वो निकलेगी इंडिया में, अगर इसकी आगे अपडेट हमारे पास आएगी तो हम आपको ज़रूर शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपको क्या मैसेज मिलता है, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लालच के चक्कर में, 1 करोड़ के लालच में 20 लाख रुपए, यानी अपनी जमा पूंजी, रिटायरमेंट में जो भी जमा किया था बैंक में, सब लूट गया जी, सब लूट गया, हम तो बर्बाद हो गए। अब वो 20 लाख रुपए चाहे उनको पुलिस पकड़ ले, चाहे उनके कुछ भी कर ले, एक देला, राजस्थानी में देला बोलते हैं, चवन्नी भी नहीं मिलेगी भाई,
तो ऐसे अगर आपके पास कुछ आ रहा है ना, आपकी कैपेसिटी के, आपकी जितनी कैपेसिटी है ना उसके हिसाब से वो पैसे मांगेंगे, क्योंकि उनकी बातचीत हो जाती है भाई इतना एक रिटायर्ड पर्सन है, चीफ इंजीनियर पोस्ट है, तो बात उनके साथ 1 करोड़ की डील करी, उनको ये थोड़ी बोलेंगे 10 लाख के गिफ्ट भेजेंगे। आप मान लीजिए एक मजदूर आदमी है 5-10 हज़ार रुपये कमाते, तो आपको ये बोलेंगे कि हम आपको 1 लाख रुपये का गिफ्ट भेजेंगे। वो अकॉर्डिंग टू पर्सन देखा जाता है कि बंदा कितना एक दमदार है। आपसे मांग होगी 8,000, 7,000, 10,000 अगर आप कम पैसे वाले हैं। ज़्यादा पैसे वाले होंगे तो वो मोटा जुगाड़ जाएगा फिर। तो बस ये अपडेट देना था साथियों, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, साथियों को भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।